Bonjour tout le monde. Les mois de l'année datent. आपने आज का टॉपिक बिल्कुल सही पढ़ा है. आज मैं साल के जो महीने हैं उनको फ्रेंच में कैसे सही तरीके से प्रोनाउंस करना है उनको बताऊंगी. और आप में से कुछ लोग हैं, ज़्यादातर सभी हैं, जिनको फॉर्म भरने की ज़रूरत पड़ती है, जिनको दत्ते और सीनिये करना होता है. सीनिये आप समझ गए हैं, सीनिये मतलब साइन करना, तो आपने अपने सिग्नेचर करने होते हैं, दस्तखत जिसको कहते हैं. और साथ में लिखा होता है दाते, दाते मतलब डेट लिखना. तो आपको सही तरीके से डेट कुछ इंग्लिश में लिखते हैं, साल पहले लिख देते हैं, डेट बाद में लिखते हैं, महीना आगे पीछे लिख देते हैं. तो फ्रेंच में कैसे डेट लिखते हैं और कैसे महीनों को प्रनाउंस करते हैं ये मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगी. हम शुरू करेंगे पहले महीने से. इमेजिन कर रहे हैं आज 22 तारीख है, तो जनवरी का जो महीना होता है जिसको हम इंग्लिश में जनवरी कहते हैं उसको फ्रेंच में हम कहते हैं जॉन विये. कैसे लिखना है, 22 तारीख है, पहला महीना है साल का जिसको हम जॉन्विये कहते हैं, और साल जो चल रहा है वो है 2020, 2020. ज़्यादातर मैंने नोट किया आप लिखते हैं 22 तारीख स्लैश, ज़ीरो नहीं लिखते आप, 1 लिख देते हैं. गलत नहीं है, आप अपनी तरफ से सही लिख रहे हैं, लेकिन फ्रेंच में वो कोशिश करते हैं, इनका जो लिखने का तरीका है यहाँ पे वो दो दो नंबर्स करके लिखते हैं. क्योंकि आपको पता है 12 महीने आते हैं, जो 12वां महीना है वो एक दो दो नंबर आते हैं, तो इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि आ के आगे जीरो लगा दें. तो 22 0 2020, तो आ के आगे अगर आप जीरो लगा देंगे तो वो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा आपकी बात समझ आएगा, लेकिन अगर लगा देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. साल का जो दूसरा महीना उसको हम कहते हैं इंग्लिश में फेब्रवरी का महीना, फ्रेंच में उसको कहते हैं फेवरिये. जानवियर, फेवरिये, इसको कैसे लिखते हैं, 22 तारीख, दूसरा महीना, डोंक 02 2020. तीसरा महीना जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मार्च, उसको फ्रेंच में कहते हैं, मिलता जुलता है, उसको फ्रेंच में कहते हैं मार्स. मार्स मैंने बहुत बार सुना है, क्योंकि आप सबको इंग्लिश में पता है तो आप सब मार्च बोलते हैं, ख्वा मार्च, कैट मार्च, सामने वाले को समझ आ जाता है क्योंकि मार्च और मार्क्स मिलता जुलता है, लेकिन अगर आपने सही तरीके से बोलना है तो आप बोलेंगे मार्क्स. तो यहाँ से हुआ जानवियर, फेवरिये, मार्क्स, 22 0 3 2020, क्योंकि तीसरा महीना, 22 मतलब 22 तारीख, 2020 ये साल है जो एंड में लिखा जाता है. उससे अगला इंग्लिश में कहते हैं चौथे महीने को अप्रैल, अप्रैल, लेकिन फ्रेंच में बोलेंगे अवरील, मिलता जुलता है, लेकिन पी की जगह वी आ जाता है, पे की जगह वे आ जाता है, अवरील. तो यहाँ पे बनेगा 22 04, क्योंकि चौथा महीना है 2020. जानवियर, फेवरिये, मार्स, अप्रैल. आगे कंटिन्यू करें, अगला महीना पांचवा महीना जिसको हम मई का महीना कहते हैं इंग्लिश में, फ्रेंच में है ये मे, इसको मई मत बोलिएगा, मई इंग्लिश में कहा जाता है, फ्रेंच में इसको मे कहते हैं. तो ये बनेगा 22 मई 2020, 22 05 2020. तो दोबारा से साथ साथ मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ ताकि आपको सही बोलने की प्रैक्टिस हो जाए. जानवियर, फेवरिये, मार्स, अप्रैल, मई. उससे अगला आता है जून का महीना जिसको हम छठवां महीना कहते हैं साल का, उसको फ्रेंच में कहा जाएगा जुआ, 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 22 जुआ 2020. जानवियर, फेवरिये, मार्स, अप्रैल, मई, जुआ. प्लीज इसको
जून मत कहिएगा फ्रेंच में, इसको जुआ कहते हैं। उसके बाद सातवां महीना जिसको हम इंग्लिश में जुलाई कहते हैं, उसको फ्रेंच में जूये, जूये, 22 juillet 2020। अगर दोबारा से शुरू करें तो बनेगा जानवियर, फेवरिये, मार्स, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई मत बोलिएगा इसको, जुलाई बोलिएगा। उसके बाद आठवां महीना जिसको हम इंग्लिश में अगस्त का महीना कहते हैं, उसको फ्रेंच में कहते हैं ऊत। मैंने बहुत बार सुना है, काफ़ी लोग हैं जो ए को भी बोलने की कोशिश करते हैं तो वो बोलते हैं आउत। आ नहीं सुनाई देता, आ लिखा जाता है लेकिन बोला नहीं जाता, तो ये ऊत है। ओत, ओत नहीं बोलना, ऊत। ओत भी मैंने बहुत बार सुना है, ना आप आउत बोलेंगे ना आप ओत बोलेंगे, या बोलेंगे ऊत, ऊत। 22 août 2020। तो जीरो से अगर शुरू करें तो आएगा जानवियर, फेवरिये, मार्स, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। नौवां महीना होता है जो साल का, वो है इंग्लिश में सितंबर का महीना कहते हैं, और फ्रेंच में थोड़ी सी चेंजमेंट है, आप सितंबर को सेप्टेम्बर बोलेंगे, तो एंड में जो सितंबर वो फ्रेंच में सेप्टेम्बर बन जाता है। तो 22 septembre 2020, सेप्टेम्बर। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं सारे जीरो से बार बार रिवाइज कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ करें। जानवियर, फेवरिये, मार्स, अप्रैल, मई, मई मत बोलिएगा, मई, जुआ, जुलाई नहीं बोलना, जुइये, ऊत, सितंबर। दसवां महीना जिसको इंग्लिश में अक्टूबर कहते हैं, वो फ्रेंच में ओक्टोबर की तरह बोला जाता है, ओक्टोबर, मिलता जुलता है। बहुत बार आप अक्टूबर बोलते हैं, अक्टूबर नहीं है, इंग्लिश में अक्टूबर होता है, फ्रेंच में ओक्टोबर, ओक्टोबर। तो दोबारा से शुरू कर रही हूँ, जानवियर, फेवरिये, मार्स, अप्रैल, मई, जुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। उसके बाद 11वां महीना है नवंबर का महीना, फ्रेंच में इसे कहते हैं नोवंबर, नोवंबर, 22 novembre 2020। दोबारा से शुरू कर रही हूँ, अब जानवियर, फेवरिये, अब आप रिपीट कर करके आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएगी, मार्स, अप्रैल, मई, जुआ, जुलाई, अगस्त, आउट नहीं बोलना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और आखिरी महीना जो 12वां महीना है उसको इंग्लिश में दिसंबर का महीना कहते हैं, हम उसे फ्रेंच में कहते हैं दे सॉम्ब्र, दे सॉम्ब्र। दिसंबर मत भूलिएगा फ्रेंच में, दे सॉम्ब्र। आइए लास्ट टाइम, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ सारे महीने रिपीट करें ताकि आप सबके लिए महीने ऑटोमेटिकली आपको याद हो और इसमें कोई गलती ना करें, क्योंकि इसमें गलती करने का फायदा नहीं है, सबसे आसान चीज़ है। जानवियर, फेवरिये, मार्स, अप्रैल, मई, जुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो मुआ दुलानिस, जो साल के महीने हैं उसके ऊपर। अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेर्सी बुकू, बन सुआरे, बन जोर्ने, अ बियंतो।